अगस्त 15 ने दुनिया में ऐसा नाम है पाया। इस दिन देश आजाद हुआ था और तिरंगा लहराया लहराया लहराया। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और आज यही आजादी का पर्व है और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 47 कावी माला। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कावी गोष्ठी में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं कावी पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा उदयपुर की नन्ही सी कली। जी हाँ दोस्तों, छोटी उम्र में इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण आपने शायद ही देखा होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम उदयपुर की अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आध्या पुरोहित का। नमस्ते, मेरा नाम आध्या पुरोहित है और मैं आज आप सभी के समक्ष एक और कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरा देश। आइए सुनते हैं। किस तरह जीना है, किस तरह मरना, यह सब हमें पुरखों से याद करना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां हो, उनके पद चिन्ह खोज लेने चाहिए। कभी भी देश के गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ देशवासियों, बन जाए हार बनकर देश के, बन जाए सब प्रेम से, सुख शांति के लक्ष्य से, क्या हम सब मिलकर धर्म भेद मिटा दें? आओ हम सब अलग-अलग फूलों की एक बसंत माला बन जाए। तोड़ दे पुरानी कुरीतियां, जड़ दे नवीन रीतियां, पुराने बंधनों को तोड़कर, नए बंधनों को जोड़कर, एक नया इतिहास दें। आओ हम सब मिलकर एकता का इतिहास रच दें। देश के लिए सच्ची भावना मन में है, देश के लिए सच्चा सम्मान है मन में, शीश झुकाकर करूं प्रणाम। मेरा भारत सबसे ज्यादा महान, मेरा भारत सबसे ज्यादा महान। जय हिंद, जय भारत। आध्या की शानदार प्रस्तुति के बाद अगले कवि के रूप में मैं युवा कवि तन्मय हर्ष को बुलाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप अपनी दूसरी रचना लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपने अभी अभी लिखने का प्रयास किया है और बहुत ही उम्दा लिखते हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अपने तन्मय हर्ष का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय हर्ष और आज इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी जो कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, उसमें मैं भाग लेता हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी। तो शुरू करते हैं। ना जाने कितने घरों के बुझे चिराग हैं, ना जाने कितने घरों के बुझे चिराग हैं, ना जाने कितनों ने त्यागे अपने प्राण हैं, ना जाने कितनों ने त्यागे अपने प्राण हैं, ना जाने कितनी माताओं ने अपने ममता का आंचल लुटाया है, ना जाने कितनी माताओं ने अपने ममता का आंचल लुटाया है। तब कहीं जाकर हमने आज़ाद भारत का जश्न बनाया है, तब कहीं जाकर हमने आज़ाद भारत का जश्न बनाया है। आओ उनके बलिदानों को एक नई पहचान दिलाते हैं, आओ उनके बलिदानों को एक नई पहचान दिलाते हैं। मिलकर भारत को विश्व का मान बनाते हैं, मिलकर भारत को विश्व का मान बनाते हैं। हमें भारत से जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाना है, हमें भारत से जात पात ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाना है, और एक नया व मजबूत भारत पूरे विश्व को दिखाना है, और एक नया व मजबूत भारत पूरे विश्व को दिखाना है। वीर शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं है गंवाना, वीर शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं है गंवाना। अब सब भारतीयों को मिलकर आज़ादी का अर्थ है समझाना, अब सब भारतीयों को मिलकर आज़ादी का अर्थ है समझाना। ये थी मेरी कविता। धन्यवाद दोस्तों। तन्मय हर्ष की इस उम्दा प्रस्तुति के बाद मैं बुलाने जा रहा हूं कन्हैया शर्मा को। जी हाँ दोस्तों,
उम्दा संगीतकार है, उम्दा गायक है और उम्दा ही गीतकार हैं, और बहुत ही सुंदर कंठ दिया है ईश्वर ने आपको, और उसी कंठ से गुरु वंदना लेके प्रस्तुत हैं कन्हैया शर्मा। हृदय तेरा करुणा का सागर, नैनों से प्रेम बहे झर झर, छवि अलौकिक अनुपम सुंदर, हे सद्गुरु प्रभु वर, हृदय तेरा करुणा का सागर, नैनों से प्रेम बहे झर झर, तपते मरुथल सा था जीवन, दहक रहा था ये तन मन, तपते मरुथल सा था जीवन, दहक रहा था ये तन मन, कंठ शुष्क था युगों युगों से, थमती जाती थी धड़कन, बरखा से अनुराग की तेरे, बरखा से अनुराग की तेरे, मैं हुआ तर बतर, हृदय तेरा करुणा का सागर, नैनों से प्रेम बहे झर झर, घना था बीहड़ उबड़ खाबड़, उस पर रात अमावस की, घना था बीहड़ उबड़ खाबड़, उस पर रात अमावस की, भटक रहा था मैं जन्मों से, सूझ न पाता था कुछ भी, राह दिखाने प्रकटे भगवन, राह दिखाने प्रकटे भगवन, तेज पुंज बन कर, हृदय तेरा करुणा का सागर, नैनों से प्रेम बहे झर झर, छवि अलौकिक अनुपम सुंदर, हे सद्गुरु प्रभुवर, हृदय तेरा करुणा का सागर, नैनों से प्रेम बहे झर झर, हृदय तेरा करुणा का सागर, हृदय तेरा करुणा का सागर, गुरु वंदना कन्हैया जी शर्मा ने प्रस्तुत की। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस शख्सियत को जो बहुत ही उम्दा रचना रचते हैं, परमाणु नगरी से हम बुलाने जा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अपने अजय जी केवलिया का। वंदे मातरम, मेरी आज की कविता का शीर्षक है विश्व गुरु भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। चीन के बहकाव में आकर पाक कहता है कि कश्मीर हमारा है, चीन के बहकाव में आकर पाक कहता है कि कश्मीर हमारा है। अरे ओ मेरे भाई, हम तो अखंड भारत बनाने की सोच रहे हैं, तू कश्मीर की राग अलाप रहा है। हम तो अखंड भारत की सोच रहे हैं और तू कश्मीर की राग अलाप रहा है। सन 47 15 अगस्त को देश हुआ था आजाद, सन 47 15 अगस्त को देश हुआ था आजाद, पर फिरंगियों ने भाई भाई में करवा दिया था विवाद, पर फिरंगियों ने भाई भाई में करवा दिया था विवाद। भारत के दो खंड हुए, भारत के दो खंड हुए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। आज फिर एक फिरंगी जाग उठा है, ऐसा ही हैवानी का काम। आज एक फिर फिरंगी जाग उठा है, करने ऐसा ही हैवानी का काम। दुनिया की नजरों में घिरा है, चीन देश है उसका नाम। जिहादी को शरण देकर कर रहा है हैवानी के काम, जिहादी को शरण देकर कर रहा है हैवानी के काम। आओ कसम खाते हैं इस चीन को सबक सिखाएंगे, आओ कसम खाते हैं इस चीन को सबक सिखाएंगे, बहिष्कार कर उत्पाद का, बस स्वदेशी अपनाएंगे, बस स्वदेशी अपनाएंगे। पहले पाक हार कर गया गर्त में, पहले पाक हार कर गया गर्त में, अब चीन तेरी बारी है,
पहले पाक हार कर गया गर्त में, अब चीन तेरी बारी है, दुश्मनों का सर उठने नहीं देंगे, सशक्त सेना हमारी है, सशक्त सेना हमारी है। देश का हर नौजवान भारतीय फौज का हिस्सा बनेगा, देश का हर नौजवान बनेगा भारतीय फौज का हिस्सा, तभी तो तमाम करेंगे दुश्मनों का एक एक किस्सा, दुश्मनों का एक एक किस्सा। कसम राम की खाते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपने भारत देश के बनाए हर उत्पादक को ही अपनाएंगे, अपने भारत देश के बने हर उत्पादक को ही अपनाएंगे। विश्वगुरु तो भारत है जिसका कोई नहीं है सानी, अब किसी देश की नहीं चलेगी भारत में मनमानी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अखंड भारत को संजोती आपकी रचना बहुत ही सुंदर थी केवलिया जी। और अब मैं जिस युवा कवित्री को बुलाना चाह रहा हूँ, वह पहली बार हमारे साथ इस काव्य गोष्ठी में जुड़ रही है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं शिवानी व्यास का। मेरा नाम शिवानी व्यास है। भारत विकास परिषद की ओर से आज मुझे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है आजाद भारत। आजाद भारत के आजाद निवासी कहलाते हम भारतवासी, दुनिया जिसके गुण है गाती, हाँ हम ही हैं वह भारतवासी। संस्कृति यहाँ की बहुत लुभाती, यही हमारे संस्कार उपजाती, सभ्यतापूर्ण यहाँ की भांति और न कोई संस्कृति कहलाती। देश विदेश में ख्याति का परचम हो जैसे संगीत में सरगम, त्याग तपस्या प्रेम अपनाकर आगे ही रहता है हरदम। शत्रुओं को ये धूल चटाता, सभ्यता पर कोई आंच न लाता, ये एक ऐसा आजाद भारत है जिसको कोई बांट न पाता। धन्यवाद शिवानी, बहुत ही सुंदर रचना, इसके लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं शिवानी का। और अब मैं जिस कवित्री को बुलाना चाह रहा हूँ, वह परमाणु नगरी से है और वे भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रही है। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मालती छंगाणी का। नमस्कार। मानव मन विचारों का पुलिंदा है, इसमें न जाने कितने ही विचार नकारात्मक और सकारात्मक, सही गलत, इस तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों में इतना खो जाते हैं कि लगता है कि उन विचारों को शब्दों में पिरोकर एक कविता या किसी लेखन का रूप दिया जाए। ऐसे ही कुछ विचार मेरे मन में कोरोना काल के तहत आए और मैंने अपने उन विचारों को शब्दों में पिरोकर एक कविता का रूप दिया। कविता के रूप में मेरा ये पहला प्रयास है, पहले मैंने कभी कविता नहीं लिखी, विचार तो आते जाते रहते थे लेकिन मैंने उन्हें कभी शब्दों में पिरोने का प्रयास नहीं किया। इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने शब्दों को नया रूप देकर कुछ लिखा जाए, और उन्हीं शब्दों को मैंने कविता के रूप में लिखा और वो छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अंतर्मन का कोलाहल। अंतर्मन का कोलाहल कुछ थमा थमासा है, अंतर्मन का कोलाहल कुछ थमा थमासा है, आज हर इंसान सहमा हुआ सा है। अंतर्मन का कोलाहल कुछ थमा हुआ सा है, आज हर इंसान कुछ सहमा हुआ सा है। पसरा हुआ मंजर तबाही का चारों ओर है, विश्व के हर कोने में कोरोना का शोर है, विश्व के हर कोने में कोरोना का शोर है। अपने फेंके पासों में फंसी दुनिया चहुं ओर है, एक वायरस का खौफ दुनिया में चारों ओर है, एक वायरस का खौफ दुनिया में चारों ओर है। हर तरफ सन्नाटा है पसरा, हर तरफ मंडराता है खतरा।
हर तरफ सन्नाटा है पसरा, हर तरफ मंडराता है खतरा, छुप गया ईश्वर बहुव्यापी। कोरोना काल के दौरान जो हमारा ईश्वर है वह भी तालों में बंद है, महज इस खौफ के कारण कि जहाँ भीड़ एकत्रित होगी वहाँ पर कोरोना का भय रहेगा, इसलिए भगवान के मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। ऐसा शायद कभी पहले नहीं हुआ जैसा कि इस बार हो रहा है कि ईश्वर की आराधना के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए उनके अनुयायियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी, सर्वव्यापी सर्वसाक्षी होते हुए भी एक तालों के अंदर, उनको मंदिर के अंदर ताले लगाकर उनको कैद किया गया है। छुप गया ईश्वर बहुव्यापी चल रही जीवन की आपाधापी, छुप गया ईश्वर बहुव्यापी चल रही जीवन की आपाधापी, एक वायरस ने किया जनजीवन को धाराशायी, एक वायरस ने किया जनजीवन को धाराशायी। थम गई वलगाएं ऐसे, थम गई वलगाएं ऐसे, सांझ हो रही प्रगति की जैसे, जैसे प्रगति थम चुकी है इतने महीनों तक, फैक्ट्रियां, ऑफिस, हर कार कामकाज एकदम से ठप हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि जो हमारा जो हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वो प्रगति एक तरह से थम गई है, रुक गई है। थम गई वलगाएं ऐसे, सांझ हो रही प्रगति की जैसे, दुनिया अब तो लगती ऐसे, दुनिया अब तो लगती ऐसे, दो दिन का मेला हो जैसे, दुनिया अब तो लगती ऐसे, दो दिन का मेला हो जैसे, आज आदम को आदम से, आज आदम को आदम से खतरा लगा सा है। मालती जी की इस सुंदर रचना के बाद दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा काव्य पाठ के लिए उस शख्स को जो हर पत्र पत्रिकाओं का हिस्सा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अपने मुकेश जी बिशा का। सर्वप्रथम 15 अगस्त के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। इस काव्य गोष्ठी के पावन अवसर पर आपके सामने एक रचना पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है ये हमको जहाँ से प्यारा है, भारत देश हमारा है ये हमको जहाँ से प्यारा है, जीवन इस पे वारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, जीवन इस पे वारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, गौरवशाली इतिहास यही है, गौरवशाली इतिहास यही है, सब धर्मों में प्रेम यही है, सब वर्गों में भाईचारा एक सूत्र में बंधा है सारा, ये हिंदुस्तान हमारा है ये भारतवर्ष हमारा है। अनेक अनेक भाषाएं यहाँ पर, अनेक अनेक भाषाएं यहाँ पर, सब वर्ण के लोग यहाँ पर, विश्व में है सबसे न्यारा ये हिंदुस्तान हमारा है ये भारतवर्ष हमारा है। अनेक अनेक भाषाएं यहाँ पर जिनमें नहीं है कोई अंतर, अनेक अनेक भाषाएं यहाँ पर जिनमें नहीं है कोई अंतर, राष्ट्रगुरु की है कथाएँ, राष्ट्रगुरु की है कथाएँ, चलती हैं यहाँ शीतल हवाएं, यहाँ का भूगोल विचित्र है, यहाँ का भूगोल विचित्र है, सबसे विश्व में सबसे अलग है, ये हिंदुस्तान हमारा है ये भारतवर्ष हमारा है, ये हमको जहाँ से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। खनिज संपदा अजीब अकूट यहाँ पर, खनिज संपदा अकूट यहाँ पर, कृषि संस्कृत कृषि का भंडार भरपूर, कृषि का है भंडार भरपूर, ऊँचे ऊँचे पर्वत यहाँ पर, नदियाँ बहती कल 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 कल, ये हिंदुस्तान हमारा है ये भारतवर्ष हमारा है। लगता है जन जन को प्यारा, लगता है जन जन को प्यारा, नहीं बहती कई अश्रुधारा, सभी लोग प्रेम भाव से रहते, सभी लोग प्रेम भाव से रहते, पर्व त्यौहार मिलके मनाते, और एक राग एक लय में गाते, हिंदुस्तान हमारा है ये भारतवर्ष हमारा है, हमको जहाँ से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। भारत देश की संस्कृति विचित्र है, संस्कृति यहाँ की बड़ी विचित्र है, संपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है, सहिष्णुता के संग संग ये विचारों से बनी हुई है, पंचशील का दिया है नारा, पंचशील का दिया है नारा, वसुदेव कुटुंबकम है सहारा, सारे ब्रह्मांड में पहचान अलग है, और
सारे ब्रह्मांड में पहचान अलग है, शांति दूत से नहीं विलग है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। निरंतर प्रगति को पाए, निरंतर प्रगति को पाए, अविचल गति से चलता जाए। इस माटी में धर्म फूले फले हैं, हम सब उंगलियां पकड़ चले हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। हम सभी हैं इसके साक्षी, हम सभी के इसके साक्षी। प्रगति के पथ पर चलता जाए, सभी देशों का है दुलारा। यह देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बिसा जी की सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं बुलाने जा रहा हूं काव्य पाठ के लिए। दोस्तों, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे अपने सुरेश कुमार जी हर्ष का, जो आपके लिए एक सुंदर सपना लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। खुशी का मौका है लेकिन दर्द साथ रखता हूँ। जो बिछड़ चुके हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के चले गए, उन्होंने इस आज़ादी की कीमत को पहचाना था। आज भी हमें कई चीज़ों से आज़ादी चाहिए, लेकिन मेरी एक तमन्ना है जो मैंने हाथों हाथ मेरे कलम के माध्यम से मैंने उतारी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मीदें अब जगी है, सिंध होगा मेरे हिंद में। उम्मीदें अब जगी है, सिंध होगा मेरे हिंद में। चंद लबजों की करवट ने बदल डाली है तकदीर। दर्द है टीस है दिल में, दर्द है टीस है दिल में। धधकते आज भी शोले, धधकते आज भी शोले। मिलेगा मन को मेरे सुकून, दुआएं आत्मा देगी, दुआएं आत्मा देगी। बनी जो दर्द की गवाह, बनी जो दर्द की गवाह। उम्मीदें हैं जगी अब होगा सिंध हिंद में। दमन से थी बनी दुनिया नई, था ये नाम पाक भी। दाहिर अब फिर से आएगा, दाहिर अब फिर से आएगा। सिंध होगा मेरे हिंद में, सिंध होगा मेरे हिंद। मित्रों, सिंध प्रांत जहाँ हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कई लोग फैले हुए हैं, उन्होंने जो त्रासदी झेली थी, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, युवा हैं, उन्होंने सुनी है दास्तानें अपने बुजुर्गों से, मैंने वो बयां की है। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन इस दर्द को याद रखना, क्योंकि सिंध हमें चाहिए, सिंध हिंद के अंदर चाहिए, तिरंगे के अधीन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इस उम्दा पाठ के लिए हम धन्यवाद करते हैं सुरेश जी आपका। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ वह है बीकानेर के प्यारे से हमारे जसवंत राजपुरोहित का। जी हाँ दोस्तों, इनकी कविताओं में बहुत ही गहराई होती है और उसी गहराई का आभास करते हैं आज इनकी रचना के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह राजपुरोहित, सीओ स्काउट बीकानेर, आप सभी को नमस्कार करते हुए स्वाधीनता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयां देते हुए कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शोर शोर
अंतर्द्वंद का या स्वयं को झंझोरता आक्षेप, शोर अंतर्द्वंद का या स्वयं को झंझोरता ये आक्षेप, शोर अंतर्द्वंद का या स्वयं को झंझोरता ये आक्षेप कभी सोचा है हमने? आजकल कौवे हार रहे हैं, आजकल कौवे हार रहे हैं काम काम करते, और जीत रहे हैं हम, जीत रहा है उन पर हमारा शोर, निबाध आबाद बगैर रुके निरंतर। पर कभी सोचा है हमने हमारा शोर अर्थपूर्ण या निरर्थक? एक छोटी सी नज्म है कि कहते हो बनने ना देंगे, कहते हो बनने ना देंगे फासले हमारे दरमियां, कब तक संभालोगे ख्यालात सख के दरमियां। उठने को तो हजारों सवाल है जहन के दरमियां, उठने को तो हजारों सवाल है जहन के दरमियां, पर होगा क्या जब तलाशोगे जवाब अपने ही दरमियां। कुछ तो बेताब रहेंगे जवाब, कुछ तो जवाब रहेंगे बेताब, कुछ तो बेताब रहेंगे जवाब आपकी परवाह के दरमियां। बस इतने ही काफी है, बस इतने ही काफी है बनाने को दूरियां दो दिलों के दरमियां। हमें तो शर्फ ही कहां मिला, शर्फ कहते हैं सौभाग्य को, हमें तो शर्फ ही कहां मिला खुद ही के दरमियां। कोई लूट ना ले, कोई लूट ना ले डरते हैं हमारी हिफाजत के दरमियां। आप बसे हो बना के आसियां मेरी सांसों के दरमियां, आप बसे हो बना के आसियां मेरी सांसों के दरमियां, क्या बचेगा आपके जाने के बाद इस बदन के दरमियां। एक छोटी सी और कविता है, क्या आवेशों के स्पंदन में हम आग लगा दें, क्या आवेशों के स्पंदन में हम आग लगा दें, क्या आखेटों के सम्मोहन में हम जाल बिछा दें, क्या आखेटों के सम्मोहन में हम जाल बिछा दें, क्या अंदेशों की आहट में, क्या अंदेशों की आहट में हम खुली आंखें रात बिता दें। आओ थोड़ी देर साथ बैठे हम, आओ थोड़ी देर साथ बैठे हम, आग्रह का ये कैसा संपादन, आग्रह का ये कैसा संपादन कि हर बार मेरे आगे वो शतरंज बिछाते। ये कुछ कविताएं आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की थी। बहुत बहुत धन्यवाद जैसलमेर की पुरानी यादों को संजोए हुए आपके समक्ष आने का ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। घाघर में सागर भरना कोई आपसे सीखे जसुन जी, काव्य पाठ को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तरफ ले जाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे दुबई से आशीष व्यास को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हम इस सुनहरे और प्यारे कवि का। नमस्कार, आज की इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कवि बंधुओं को और सभी श्रोताओं गणों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ये कविता भी स्वतंत्र भारत पर ही आधारित है, और इस कविता के माध्यम से मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि मेरी नज़र में भारत का चेहरा मुझे कहां कहां नज़र आता है। ज़्यादा समय ना लेकर मैं कविता शुरू करता हूं कि जब पुस्तक हाथों में लेकर बालक सपनों को संजोता है, जब पुस्तक हाथों में लेकर बालक सपनों को संजोता है, उस बालक की आंखों में मुझे भारत का चेहरा दिखता है। जब रक्षा करने सरहद की सैनिक घर छोड़ निकलता है, जब रक्षा करने सरहद की सैनिक घर छोड़ निकलता है, उस सैनिक के सीने में मुझे भारत का चेहरा दिखता है। जब स्वहित को त्याग आरक्षी, आरक्षी माने पुलिस, जब स्वहित को त्याग आरक्षी जन जन की रक्षा करता है, जब स्वहित को त्याग आरक्षी जन जन की रक्षा करता है, उस रक्षक के कांधों में मुझे भारत का चेहरा दिखता है। जब खाली दियों में विद्या भर गुरु ज्ञान के दीप जलाता है, जब खाली दियों में विद्या भर गुरु ज्ञान के दीप जलाता है, उस गुरु के मस्तक में मुझे भारत का चेहरा दिखता है। जब त्याग मोह स्वजीवन का कर्म चिकित्सक करता है, जब त्याग मोह स्वजीवन का कर्म चिकित्सक करता है, उस ईश्वर रूपी के कर्म में मुझे भारत का चेहरा दिखता है।
अब तक की जो पंक्तियां हैं उनके माध्यम से मैं ये दिखा रहा था कि मुझे भारत का चेहरा कहाँ दिखता है, पर माँ भारती मुझे कहाँ नजर आती है वो इन पंक्तियों में बताता हूँ। कि जब कोई माता बच्ची को विद्या का मान सुनाती है, जब कोई माता बच्ची को विद्या का मान सुनाती है, उस माता की काया में मुझे माँ भारती स्वयं दिख जाती है, उस माता की काया में मुझे माँ भारती स्वयं दिख जाती है। माँ भारती को मेरा सादर नमस्कार, और सभी श्रोताओं गणों से मेरा यही आग्रह है कि जिस भारत को हम माँ तुल्य मानते हैं उसे हमें सदा स्वच्छ रखना चाहिए और हमेशा उसके विकास के लिए ही सोचना चाहिए। धन्यवाद। भारत की इन सुंदर तस्वीरों का जिक्र आपने किया वो काबिले तारीफ है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उदयपुर से परिमिला जी को। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार हमारे साथ जुड़ रही है। आप आध्या पुरोहित की माता जी है और बहुत ही सुंदर रचना रचती है। नमस्ते जैसलमेर दर्शन को मेरे तरफ से जय श्री कृष्ण और शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मेरी कविता है, गौर से सुनिएगा। मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, क्या पता मेरे भारत देश पर जादू हो जाए, क्या पता मेरे भारत देश पर जादू हो जाए, मेरा फिर नया विकासशील भारत बन जाए, मेरा फिर हिंदुस्तान खुशहाल बन जाए, मेरा फिर हिंदुस्तान खुशहाल बन जाए, न हो बेरोजगारी, न हो भुखमरी, न हो अशिक्षा, चारों तरफ ही हो खुशहाली का बोलबाला, चारों तरफ ही हो खुशहाली का बोलबाला, हर तरफ हो जाए एकता से भाईचारा, हर तरफ हो जाए एकता से भाईचारा, हर तरफ गरीबी का नामो निशान मिट जाए, हर तरफ गरीबी का नामो निशान मिट जाए, हर गरीब की झोली में दो रोटी आ जाए, हर गरीब की झोली में दो रोटी आ जाए, सब बन जाए आत्मनिर्भर, सब बन जाए आत्मनिर्भर, अपराध और भ्रष्टाचार चारों तरफ से मिट जाए, अपराध और भ्रष्टाचार चारों तरफ से मिट जाए, मेरे भारत देश में खुशियां ही खुशियां आ जाए, मेरे भारत देश में खुशियां ही खुशियां आ जाए, कोरोना जैसे रोग से मेरे भारत को मुक्ति मिल जाए, कोरोना जैसे रोग से मेरे भारत को मुक्ति मिल जाए, ताकि बच्चे बच्चे की मुस्कान फिर से लौट आए, ताकि मेरे भारत के बच्चे बच्चे की मुस्कान फिर से लौट आए, मैं चाहती हूँ मेरा भारत देश फिर से वैभवशाली बन जाए, मेरा भारत देश फिर से वैभवशाली बन जाए, वीरों की तो बात न कहिए, वीरों की तो बात न कहिए, सब कुछ छोड़ बैठे हैं सरहद पर, सब कुछ छोड़ बैठे हैं सरहद पर, भारत माँ की गोद में करते हैं हम उनको सलाम, भारत माँ की गोद में करते हैं हम उनको सलाम, मैं ही नहीं मेरे साथ है पूरा आवाम, मैं ही नहीं मेरे साथ है पूरा आवाम, ऐसे वीरों को पाकर धन्य हुई है धरती, ऐसे वीरों को पाकर धन्य हुई है धरती, जितने भी है फूल बगिया में मैं करती हूँ उनको अर्पण, जितने भी है फूल बगिया में मैं करती हूँ उनको अर्पण, शीश झुका कर नमन हमारा, ऐसा सुंदर देश हमारा, ऐसा सुंदर देश हमारा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। शुक्रिया परमिला जी आपका इस अद्भुत रचना के लिए। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम बोझरा जी वैष्णव का। आप सुंदर कंठ लिए हुए हैं और पैरोडी के मास्टरपीस हैं। स्वागत करते हैं इनकी एक और पैरोडी का। मन भावों से मचल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है, स्वतंत्रता का पुण्य पर्व था, नगर नगर में व्याप्त गर्व था, सुख साधन की बहुत कमी थी, गांव में कम तर आमदनी थी, फिर भी मिलजुल बांट के खाते, जो मिल जाता खुशी से पाते, भारत के संस्कार भले थे, अधिक अभावों लोग पले थे, दूर दूर से जल भर लाते, वर्षा जल से अन्न उगाते, जल का उचित संरक्षण करते, बांध बना कर भूजल भरते, चौपालों पर समय बिताते, सुख दुख में सब साथ निभाते,
भाव भरा मन पिघल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। स्वराज आया दुराव लाया, देश बटा दो भाग कराया, विकट पलायन स्वजन कराए, संप्रदाय विष खूब पिलाए। हिंद पाक समयुद्ध ठना था, काश्मीर रण क्षेत्र बना था। कुछ दिन काम पड़ोसी आए, एक दूजे के प्राण बचाए। दाना पानी कम पड़ जाता, हिंदू मुस्लिम मिलकर खाता। कुछ नेता गण नफरत फेंकी, राजनीति की रोटी सेंकी। हृदय हिंद में पड़ी दरारें, विस्थापित जन आर्त पुकारे। पाक अभी भी उछल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। पंचशील सिद्धांत बनाए, हिंदी चीनी भ्रात्र कहाए। रक्षा बजट को नहीं बढ़ाया, सीमा लंघन नहीं कराया। पीछे पीठ चीनी चढ़ आए, हिंद देश ने लाल गवाए। कवि प्रदीप ने गीत बनाया, कोकिल स्वर ने गाय सुनाया। लाल किले से स्वर टकराए, नेहरू के नैना भर आए। एक बार जब मुंह की खाई, तब रक्षा हित अलख जगाई। तब से अब तक हिंद जगा है, आतताई हर बार भगा है। आ भारत हर पल संभल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। 65 में जब पाक बड़ा था, काश्मीर जो चित्त चढ़ा था। अमरीकी हथियार जो पाए, मियां मिट्ठू के पर युग आए। वीर भारती बढ़े जो आगे, पेटेंट टैंक छोड़ के भागे। जाट मराठे जबर लड़े थे, रूस अमेरिका सन्न खड़े थे। लाल बहादुर निर्णय लेना, लाहौर लगभग पाक से छीना। निर्णायक अब युद्ध छिड़ा था, शांति दूत बन रूस खड़ा था। ताशकंद में लाल बुलाया, समझौता बहु दाब कराया। वह पल रहस्यमय विफल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। सन 71 की करगिल युद्ध की जैसी कुछ पद को जो है समय के अभाव के कारण मैं जो है छोड़ करके अंतिम पद स्वीकार करता आपके सामने पेश करता हूँ, स्वीकार करें। मोदी ने जिन पिंग बुलवाया, साथ बैठ झूला झुलवाया। चीन सदा से धोखा करता, क्यों कोरोना क्यों कर पर शरता। पीठ के पीछे वार किया है, बीसों वीर शहीद किया है। वीरों ने भी जोश दिखाया, चीनी 40 को मार गिराया। अघोषित सा युद्ध छिड़ा है, सकल विश्व स्तब्ध खड़ा है। मोदी देते तगड़ा झटका, फेंक एप्स फाइनेंशियल फटका। राफेली धमकी दे डाली, चीनी है केड़ी दिखती खाली। जोश हिंद का उबल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। आज समय कुछ बदल रहा है, आज समय कुछ बदल रहा है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। इस उम्दा प्रस्तुति के लिए भोजराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और बुलाना चाहूंगा मैं जोधपुर की नलिनी पुरोहित को। आप बहुत ही उम्दा रचनाओं का निर्माण करती है, आप लाइए हमारे लिए सुंदर से कवित।
नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोधपुर से मैं नलिनी पुरोहित स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी में मेरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। गीत अमर बलिदानों के गाए कि आरती उनकी सजा कर स्मृतियों के दीप जलाए, आरती उनकी सजा कर स्मृतियों के दीप जलाए, चंदन की चिता सजा कर भाव तिलक उनके लगाए, भाव तिलक उनके लगाए, आरती उनकी सजा कर स्मृतियों के दीप जलाए, श्रद्धा से शीश नवा कर गीत अमर बलिदानों के गाए, गीत अमर बलिदानों के गाए, कि माँ भारती के चरणों में, कि माँ भारती के चरणों में जीवन पुष्प चढ़ा, हो गए बलिदान, हो गए बलिदान, छोड़ पत्नी पुत्र, छोड़ पत्नी पुत्र वृद्ध माता पिता, छोड़ पत्नी पुत्र वृद्ध माता पिता, ये गांव ढाणी खेत खलिहान उनकी याद में आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं उनकी याद में आंसू बहाते हैं, कि भाई बहनों के गले रुझ गए, भाई बहनों के गले रुझ गए, पर हे गर्व, पर हे गर्व, देश हित हुए बलिदान, देश हित हुए बलिदान, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, केसर का तिलक लगाकर चंदन की चिता सजाए, केसर का तिलक लगाकर चंदन की चिता सजाए, श्रद्धा से शीश नवाकर गीत अमर बलिदानों के गाए, गीत अमर बलिदानों के गाए, कि रुक गई बूंदे शबनम की, रुक गई बूंदे शबनम की, नैनों के आंसू थम गए, नैनों के आंसू सहसा रुक गए, मिट गए वतन पर, मिट गए वतन पर हिमालय का शीश कभी झुके नहीं, पर हिमालय का शीश कभी झुके नहीं, माँ भारती का शीश कभी झुके नहीं, बच्चों ने खोए हैं पिता, बच्चों ने खोए हैं पिता, पत्नी ने पिया, पत्नी ने पिया, बरबस रोती है बूंदे शबनम की, बरबस रोती है बूंदे शबनम की, आंखें हिमालय की भी हुई है नम, आंखें हिमालय की भी हुई है नम, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, केवल दो नैनों के आंसू सूखे हैं, केवल दो नैनों के आंसू सूखे हैं, घड़िया प्रतीक्षा की थमी नहीं, घड़िया प्रतीक्षा की थम गई है, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, आरती उनकी सजाकर स्मृतियों के दीप जलाए, चंदन की चिता सजाकर भाल तिलक उनके लगाए, चंदन की चिता सजाकर भाल तिलक उनके लगाए, श्रद्धा से शीश नवाकर गीत अमर बलिदानों के गाए, गीत अमर बलिदानों के गाए। मेरी एक छोटी सी रचना और है कि माँ करोगी क्या मुझे पढ़ाकर, कि माँ करोगी क्या मुझे पढ़ाकर, करुणा मुझे सिखाकर समझाकर, क्योंकि माँ तेरे मन में भी तपता है रेगिस्तान, और लप लपाती लू को भी तूने सहा है, फिर भी रेत में धसे हैं पाँव, फिर भी रेत में धसे हैं पाँव, माँ करोगी क्या मुझे पढ़ाकर, करुणा मुझे सिखाकर समझाकर, क्योंकि आज सतयुग भी नहीं, नहीं सीता मीरा और अहिल्या, क्योंकि आज की सीता चाहते हुए भी वन में जा नहीं सकती अकेली, रावण बसे हैं सभी के मन में, और न ही मीरा आज के कान्हा को पति मान सकती है, और न ही अहिल्या अपने पुत्र को मृत्युदंड दे सकती है, क्योंकि पुत्र स्वयं दे देते हैं माँ को यत्रणा, तो माँ करोगी क्या मुझे पढ़ाकर, करुणा मुझे सिखाकर समझाकर। एक छोटा सा गीत है मेरा, गीत तो क्या कविता ही सुना देती हूँ मैं आपको। काश नदी का एक छोटा सा पत्थर होती, गंगा यमुना को छूकर कितनी पावन होती, काश नदी का एक छोटा सा पत्थर होती, नदी अपने लघु प्रवाह से मुझे दुग्ध पान कराती, नदी अपने लघु प्रवाह से मुझे दुग्ध पान कराती, या अपनी मखमली धूप से मुझे सहलाती, या अपनी मखमली धूप से मुझे सहलाती, काश नदी का एक छोटा सा पत्थर होती, नदी अपनी धार से मेरा नुकीला और पेनापन मेट देती, नदी अपनी धार से मेरा नुकीला और पेनापन मेट देती, और गोल मटोल नया रूप दे देती, और गोल मटोल नया रूप दे देती, काश नदी का एक छोटा सा पत्थर होती, काश नदी का छोटा सा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शानदार प्रस्तुति के लिए। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस मातृशक्ति को जो दूसरी बार हमारे साथ जुड़ रही है। आप उदयपुर की निवासी है,
और नाम है आपका सपना व्यास। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सपना व्यास आज जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित की गई 47 काव्य माला काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हो रही हूँ। भाई मुकेश जी हर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काव्य गोष्ठी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आज मैं मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपद द्वारा रचित एक छोटी सी रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है 15 अगस्त। आज पुनीत हर्ष का दिन है, ढोल बजाओ मौत मनाओ, गूंजे तुमुल निनाद गगन में, फहरे के तू तिरंगा नभ में, फहरे के तू तिरंगा नभ में। कण कण पुलकित आज धरा पर, नाच रहा मतवाला मधु, महक रहा मतवाला मधुवन, नाच रहे हैं कृष्ण कन्हैया, आई आज गोपियां बंधन, आई आज गोपियां बंधन। कितनों ने बलिदान दिए हैं, कितनी भव की जौहर ज्वाला, आजादी की नींव शिलाएं, धर झांसी या जलिया वाला, धर झांसी या जलिया वाला। शत शत नमस्कार वीरों को, जो मर कर भी अमर कहाए, भारत माँ के बंधन तोड़े, आजादी का दिन ले आए, आजादी का दिन ले आए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं खुद की लिखी हुई दूसरी स्वरचित रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी दूसरी कविता लिख पाई हूँ। वैसे तो नई नई खिलाड़ी हूँ इस क्षेत्र की, त्रुटि होना स्वाभाविक है, मुझे बताएं। और उसका शीर्षक भी 15 अगस्त ही लिखा है मैंने, आशा करती हूँ कि पसंद आएगी आप लोगों को। उदय हुआ सूरज उमंग का, अस्त हो गई पराधीनता, नई भोर की नई लालिमा, स्वागत तेरा है स्वाधीनता, स्वागत तेरा है स्वाधीनता। बापू नेहरू बोस गंगाधर भगत पटेल मंगल आजाद, सत सत नमन करो वीरों को, दे गए हमें अमर सौगात, दे गए हमें अमर सौगात। जय हिंद जय भारत का यह नारा अब शुभ मंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वर्ण अक्षरों में लिखा है ये गौरव का दिन है आज, श्रद्धा सुमन अर्पित करती मैं नवजीवन का यह आगाज, नवजीवन का यह आगाज। लहराया है आज तिरंगा, सुंदर सरस है मन को भाता, कटी दासता की ये बेड़ियां, हर्षित हो गई भारत माता, प्रफुल्लित हो गई भारत माता। जनगण मन गूंजा भारत में, सबने मिलकर गाया गान, आजादी का पर्व मनाता मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जय हिंद जय भारत, जय श्री कृष्णा। श्याम जी श्रीपद की इस सुंदर रचना के लिए सपना आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने उनकी याद ताजा कर दी। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस मातृशक्ति को जो इतना गहरा लिखती है कि जिसकी बखानी करना बहुत ही मुश्किल है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं मोनिका का। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहृदय कविजन, सुधीजन कविजनों को मेरा मोनिका गुप्ता का सादर प्रणाम। आज हम भारत की आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं अपनी चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी जमीन कहाँ है, और मेरी कविता संदर्भित है हमारे भारत के जो विभाजन की त्रासदी को भोगा था उन समय की परिस्थितियों पर। एक लंबी रात के बाद ये कैसी सुबह हम पाए थे, क्या सच ही ख्वाबों वाली खुशनुमा आजादी हम लाए थे। एक लंबी रात के बाद ये कैसी सुबह हम पाए थे, क्या सच ही ख्वाबों वाली खुशनुमा आजादी हम लाए थे। एक लकीर खींच चुकी थी दरमियान इस विभाजन में, एक लकीर खींच चुकी थी दरमियान, और दोनों ओर बने अब शैदाई दो भाई थे। उस समय का जो माहौल था, उस समय जो लोगों की मानसिक स्थिति थी कि बेबसी थी बेकसी थी, जाने कैसी तिश्नगी थी, बह रही थी कैसी हवाएं, गमजदा थी मेरे मुल्क की फजाएं। बह रही थी कैसी हवाएं, गमजदा थी मेरे मुल्क की फजाएं। वो जो पल था मेरी सरजमीन के हिस्सों का,
वो जो पल था मेरी सर जमीन के हिस्सों का, वो बेमुरव्वती फैसला था कुछ सत्ता नशीनों का। और उसका खामिया जब भुगता था उन लोगों ने जो जिंदगी भर विस्थापित का ठप्पा लगाए घूमते रहे, उनकी कितनी गलियां छूटी, कैसे दहलीजें छूटी, बदल गए दीवारों पर पते और नामों की तख्तियां भी थी छूटी। खाली हाथ थे, भरी आंखें, भरे दिल और खाली उम्मीदें। खाकर नस्तर दिलों पर वो निकले थे छोड़ आसियाने। और उस समय माहौल ऐसा था कि हर आंख का पानी था सूख रहा, हर आंख का पानी सूख रहा था, उम्मीद का दामन छूट रहा था, हर आंख में थी भूख और भूख थी नफरत की। छूट रहे थे दुपट्टे, चिथड़े जाते थे जिस्म अपनी ही नजर के सामने, टूटती थी चूड़ियां अपनी ही कलाई की। सोचिए जाने कैसा खौफ भरा वो मंजर था, जाने कैसा खौफ भरा वो मंजर था, किसने थमाया, हर हाथ एक खंजर था, हर कंठ प्यासा था अपने ही भाई के लहू का, ये फैला गर्द था केवल और केवल हुकूमियत का। क्या इसी आजादी की चाह थी, ना मेरे मुल्क के दीवानों ने तो ना चुनी ये राह थी। राजा बदले, सत्ता बदली, हुकूमत की ताबीरें। राजा थे बदले, सत्ता थी बदली थी हुकूमत की ताबीरें। पर तुम कहो मेरे भाई, क्या आज भी बदली है मेरे मुल्क के पेशाने की लकीरें? आज भी मैं अपनी जमीन को तरसता हूँ, पहचान न पा पाया हूँ अपने ही वतन में मैं खुद से ही लड़ता आया हूँ। ईश्वर से यही दुआ है कि हर शख्स को मेरे मुल्क के उसकी जमीन मिले, उसका आसमान मिले, सभी के घर पर छत हो और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के दर्जे पर पहुंच जाए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1947 के बंटवारे का जो दुख आपने बयां किया वो काबिले तारीफ है। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो जोधपुर की नामी कवित्री है, आप बहुत ही उम्दा लिखती है, दीपा परिहार जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। मैं जोधपुर से दीपा परिहार आप सभी कवि वृंदों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अवसर पर मैं आप सभी को एक मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लिखी गई एक गजल सुनाती हूँ कि तिरंगा तिरंगा राष्ट्र का तो मान है, वतन पर मर मिटा जाना शान है, वतन पर मर मिटा जाना शान है, सपूतों की बदौलत पाया इसे, ये मातृभूमि वीरों की खान है, ये मातृभूमि वीरों की खान है, करो या फिर मरो नारा दिया, ये आजादी दिला दूं दी जान है। मरे थे वे बचाने निज देश को, बचाई भारती की जो आन है, नशे से देश जब होगा मुक्त तो बिखरेंगे सुरों की तब तान है। लड़े रणवीर भारत खातिर सदा, वो केसरिया ही पहना परिधान है,
परिधान है। सभी दीपा दिखे स्वतंत्र यहाँ, तभी भारत यहाँ लगता, तभी भारत यहाँ लगता, महान है महान है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी आपका इस सुंदर रचना के लिए। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा उस मातृशक्ति को जो उदयपुर से है, बहुत ही उम्दा लिखती है, इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी सोच लिए मैंने बहुत कम कवित्रियों को देखा है। स्वागत करते हैं एडवोकेट भूमिका चौबीसे का। सभी को जैसलमेर दर्शन के माध्यम से जो एक मुहिम काव्य गोष्ठी की चलाई है, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी जैसलमेर दर्शन की इस टीम को, जो इस काव्य धारा के माध्यम से काव्य जगत में जो रुचि आप उत्पन्न कर रहे हैं और समाज के इन सभी व्यक्तियों को जो काव्य पाठ से जोड़ करके और एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए पूरे काव्य परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और साथ ही शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और वास्तव में कुछ विचार हैं जो हर व्यक्ति के मन में होते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, तो उस स्वतंत्रता की यदि बात की जाए तो क्या केवल क्षेत्रफल की स्वतंत्रता ही हम स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं, या कुछ लोग ये कहें कि केवल एक दिन की छुट्टी मनाते हैं, या किस मानसिकता, इस विचारों और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, जैसलमेर दर्शन ने जो अभी कुछ दिनों पहले ही एक मायड़ भाषा में काव्य पाठ कराया था, आयोजित कराया था, उस काव्य पाठ के जरिए भी मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदी जगत में, भारतीय भाषा को आप इस पटल के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आजादी अधूरी है तब तक जब तक कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा और इस शैक्षणिक श्रेष्ठता को हम प्राप्त नहीं कर लें जो हमारी मूल श्रेष्ठता है। एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अब अपनी रचना पर आती हूँ और एक गीत में आपको वंदे मातरम गीत जो लिखा गया है उसे मैं कुछ अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वंदे मातरम, ये शब्द वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है बल्कि हम भारतीयों के लिए क्या इसका स्थान है, इसे कुछ अपने शब्दों में बताने की, जताने की कोशिश की है। आपका स्नेह मिलेगा निश्चित तौर पर, हर बार मिल रहा है तो आपका बहुत बहुत आभार। सुनेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयतु भारतम, जय जय भारतम, गीत गाऊंगी मैं आज वंदे मातरम, गुनगुनाऊंगी मैं गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयतु भारतम, जय जय मातरम। नाद वंदे मातरम है शंख पांच जन्य का, क्या है वंदे मातरम सुनिएगा। नाद वंदे मातरम है शंख पांच जन्य का, तार है वीणा में जिसके सप्त स्वरी गाने का, राम की चौपाइयों की श्रृंखला के ध्यान का, रावण के कुंज बैठी सीता माँ के मान का, भारती के स्वप्न का, माँ भारती के स्वत्व का, भारती के स्वप्न का, भारती के स्वत्व का, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयतु भारतम, जय जय मातरम। और दूसरा बंद देखेगा, चारो बेटे वार दे, इस वंदे मातरम शब्द में कितनी शक्ति समाई है देखेगा। चारो बेटे वार दे वो खून है पंजाब में, माटी में ही पलते हैं शेर राजस्थान में,
सरदारों में है शिवा का मान महाराष्ट्र में, हर घर में है भगत सा वीर इसी राष्ट्र में, अखंड हिंदुस्तान में, अभंग हिंदुस्तान में, अखंड हिंदुस्तान में, अभंग हिंदुस्तान में, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय जय मातरम। गीत गाऊंगी मैं आज वंदे मातरम, गुनगुनाऊंगी मैं गान वंदे मातरम। और अंत में इस देश की संस्कृति को व्यक्त करने की कोशिश की है, युगो युगो से साक्षी है इतिहास इसके मूल्यों का। वंदे मातरम शब्द केवल एक शब्द नहीं है बल्कि भावनाएं हैं, सुनेगा। युगो युगो से साक्षी है इतिहास इसके मूल्यों का, गंगा माँ के अवतरण और पापों के विनाश का, इसका मार्गदर्श करे सार हर पुराण का, इसका मार्गदर्श करे सार हर पुराण का, एकता का मार्ग है हर वर्ग के विकास का, एकता का मार्ग है हर वर्ग के विकास का, संस्कृति की नीड़ का, सभ्यता की नींव का, नीड़ यानी घोंसला, संस्कृति के नीड़ का, सभ्यता की नींव का, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय जय मातरम। गीत गाऊंगी मैं आज वंदे मातरम, गुनगुनाऊंगी मैं गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय जय मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः असीम शुभकामनाएं। वंदे मातरम भूमिका जी, बहुत ही धन्यवाद आपका इस सुंदर रचना के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं जैसलमेर से हमारे अपने गीतों के बेताज बादशाह हरिवल्लभ बोहरा हरि को, जो लाए हैं एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए। भारत देश की आजादी के पर्व पर मेरी ओर से प्रस्तुत है ये एक सद्भावना गीत। आप सबकी नजर करता हूं कि आइए गाइए एक सब हो जाइए, आइए गाइए एक सब हो जाइए, भारती की आरती है भेद मिटाइए, आइए गाइए एक सब हो जाइए। एक है अपनी धरा, एक है अपना गगन, है हजारों बोलियां पर एक है अपना वतन, जात पात की दीवारें अब सब तोड़िए, मानव से मानवता का नाता अब जोड़िए, आरती की आरती है भेद मिटाइए। एक है अपना हिमालय, एक है अपना सागर, एक है अपना हिमालय अपना सागर, एक है रास्ते अनेक अपने अपनी मंजिल, एक है गीता और पुराण का मर्म सब जानिए, ग्रंथ और मिल का धर्म एक मानिए, आइए गाइए एक सब हो जाइए।
दीपक पात भात भात पर एक सायु जाला है नाम अनेकों फूल है पर एक उसकी माला है रेत के घर अब न बनाइए और बंधनों को तोड़कर दूरियां घटाइए आइए गाइए एक सब हो जाइए रंग खून एक है खेत रंग धानी है ताज गंगा एक है एक हवा पानी है सत्य का आलोक दूर दिक फैला ही और आजादी के अर्थ को व्यर्थ न गवाइए आइए गाइए एक सब हो जाइए भारती की आरती भेद मिटाइए भारती की आरती भेद मिटाइए भारती जय भारत आइए गाइए मिलके जश्न मनाइए इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हरिवल्लभ जी आपका। और अब मंच देने जा रहा हूँ मैं वरिष्ठ कवित्री मातृशक्ति पुष्पा शर्मा को। नमस्कार, आज मैं जैसलमेर के वीर शहीदों के बारे में एक कविता सुना रही हूँ। माने घणो घणो अभिमान सोना टीलोरो अंबार जाड़ी जरो खा अपार मीठी बोली रानर नारे ओ तो सरहदी एरी ढाल माने प्यारो है रे जसान जी हो जी आजी हे इंद्र प्रस्थ चूं बण्यो किलो जेरी नभ तक ऊंची नाक इंद्र प्रस्थ चूं बण्यो किलो जेरी नभ तक ऊंची नाक छत्तीस करोड़ देवी देवता जठे हरदम करे निवास के माने घणो घणो अभिमान सोना टीलो रो अंबार जाड़ी जरो का अपार मीठी बोली रानर ना यो तो सरहदी एरी ढाल माने प्यारो है रे जसान जी हो जी हाँ जी गड़मलिए रो मीठो पानी अमृत नीर कहावे गड़मलिए रो मीठो पानी अमृत नीर कहावे टीला वाली प्रोड़े आगे ताज महल सर मावे की माने घणो घणो अभिमान सोना टीलो रो अंबार जाड़ी जरो का अपार ओ तो सरहदीए ढाल मारो प्यारो है रे जसान जी हो जी हाँ जी सोना केरी उजड़ी ने तांबा भरनी सां सोना केरी उजड़ी ने तांबा भरनी सां समझे साणेर फूठरो में किया करूं रे बखान के माने घणो घणो अभिमान सोना टीलो रो अंबार जाड़ी जरो का अपा मीठी बोली रा नर नारे ओ तो सरहदी एरी ढाल माने प्यारो है रे जसान जी हो जी हाँ जी इन धरती रा पुत पूनम सिंह पूनम केरो चांद इन धरती रा वीर पूनम सिंह पूनम केरो चांद आन बान और शान रे खातिर गोपा जी कुर्बान की माने
घणो घणो अभिमान सो नाटी लोरो अम्बा चाड़ी झरो का अपार मीठी बोली रा नरना ओ तो सरहदी हेरी ढाल माने प्यारो है रे जसाण जी हो जी हाँ जी। जिसान धरा के सुंदर बखान के लिए पुष्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जोधपुर से छगन राज राव जी का। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति के लिए तैयार रहिए, मंच पे बुलाने जा रहा हूं छगन राज राव जी को। समस्त रचनाकारों और भारत के समस्त नागरिकों को मैं छगनराज राव दीप जोधपुर जो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लीजिए स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मेरा एक गीत। आजादी के दीवानों को भारत के उन परवानों को, आजादी के दीवानों को भारत के उन परवानों को, खमा घणी है खमा घणी, खमा घणी है खमा घणी। बंद देखिए। मुश्किलों से मिली आजादी, खून से नदियां यहां बहा दी। मुश्किलों से मिली आजादी, खून से नदियां यहां बहा दी। जो सिले थे सबसे हटके, हंसते हंसते फांसी लटके। जो सिले थे सबसे हटके, हंसते हंसते फांसी लटके। बोस भगत आजादी सरीखे, वीर सपूतों का था जज्बा। माँ चरणों में शीश चढ़ा के गाया आजादी का नगमा। खमा गणी है खमा गणी, खमा गणी है गणी खमा। आजादी के दीवानों को भारत के उन परवानों को, खमा गणी है गणी खमा, खमा गणी है खमा गणी। अगला बंद देखिए। घर घर ऐसी अलख जगाई, गांधी ने अहिंसा सिखाई। घर घर ऐसी अलख जगाई, गांधी ने अहिंसा सिखाई। सत के आगे गोरे हारे, पासे उनके उल्टे सारे। सत के आगे गोरे हारे, पासे उनके उल्टे सारे। मरने मारने फौजे खड़ी, रण में लड़ती करती खात्मा। आखिर 15 अगस्त के दिन आजादी का आया लम्हा। खमा गणी है गणी खमा, खमा गणी है गणी खमा। आजादी के दीवानों को भारत के उन परवानों को, खमा गणी है गणी खमा। अंतिम बात देखिए। आओ मिल कर के सब जन हम जश्न आजादी का मनाए। आओ मिल कर के सब जन हम जश्न आजादी का मनाए। जनगण मन अधिनायक गाकर आज तिरंगा हम फहराए। जनगण मन अधिनायक गाकर आज तिरंगा हम फहराए।
वंदे मातरम जयकार कर मातृभूमि मेरी आत्मा। वंदे मातरम जयकार कर मातृभूमि मेरी आत्मा। तीनों रंगों में दिखलाए मेरा पूरा आज आसमा। खम्मा गणी है गणी खम्मा, खम्मा गणी है गणी खम्मा। बाजादी के दीवानों को, भारत के उन परवानों को, खम्मा गणी है गणी खम्मा, खम्मा गणी है गणी खम्मा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस उम्दा प्रस्तुति के लिए छगन जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम सभी। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसके कंठ में स्वयं सरस्वती वास करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोकरण परमाणु नगरी के रामेश्वर जी शर्मा की। नमस्कार। भारत माँ की वीर जवानों से अपील, मेरे वतन के वीर जवानों, मेरे वतन के वीर जवानों, उनकी बलिदानी पहचानो, तमन्नाए शहादत जानो। भारतवासियों को देशवासियों, मेरे वतन के वीर जवानों, उनकी बलिदानी पहचानो, तमन्नाए शहादत जानो। भारतवासियों देशवासियों ओ भारतवासियों, चंद्रा भगत सिंह और बाल हो, चंद्रा भगत सिंह और बाल, उधम बोस लाल और पाल, यारों वतन के थे बेहाल देशवासियों। लाखों लाशें यूं बिछवा दी, खून से सींची है आजादी, सरफरोशी क्यों भुलवा दी। देशवासियों ओ देशवासियों, भारत माता तुझे पुकारे हो, भारत माता तुझे पुकारे, कहाँ गए हो वीर दुलारे, गद्दारों ने पाँव पसारे। देशवासियों पुलवामा कैसे भुलवाया, बालाकोट से मन हरसाया, जलियांवाला याद दिलाया। भारतवासियों भारतवासियों ओ देशवासियों, जहाँ पावन यमुना गंगा हो, जहाँ पावन यमुना गंगा, जहाँ शान से लहरे तिरंगा, नौजवान वतन के संगा। देशवासियों लहू ए वतन वो नसीब, लहू ए वतन वो खुश नसीब, जल कर बने वो अमर दीप, पल पल रहते वतन समीप। देशवासियों देशवासियों ओ भारतवासियों, तुमको कसम है भारत माँ की हो, तुमको कसम है भारत माँ की, चाहे चीनी हो या पाकी, रक्षा करनी भारत माँ की। देशवासियों रक्षा करनी भारत माँ की। देशवासियों लहू से सींचा तूने चमन,
तूफानों से शांति अमन कुर्बा किया है तन मन धन देशवासियों, रामेश्वर का तन मन धन देशवासियों, देशवासियों ओ देशवासियों, मेरे वतन के वीर जवानों, मेरे वतन के वीर जवानों, उनकी बलिदानी पहचानो, तमन्नाए शहादत जानो, देशवासियों देशवासियों ओ भारतवासियों, भारत माता की जय। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी आपका। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं राजस्थानी गीतों और हिंदी के क्षितिज पे बैठे जोधपुर के हमारे अपने मदन जी क्षितिज को काव्य पाठ के लिए। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कवि गोष्ठी में मैं मदन क्षितिज अपनी एक छोटी सी रचना पेश कर रहा हूं। रच रही है योग धरा सहस्त्रों समाधियां, जमीन वृंदावन पर खड़ी ये सहस्त्रों समाधियां, कृष्ण की ये गोपियां योग की विभूतियां, असार जब को धिक्कारती ये प्रेम रोग रोगियां, कृष्ण नाम रट रही ये रास रंग संगियां, शिल्प खजुराह की अहंकार की तूलिया, मणिपुरी नृत्य की ये भाव भाव भंगिमा, मुक्तिगढ़ की गढ़िया ये रूपरस की अड़िया, रूपरस की कुंडिया ये परशुराम पूरिया, परशुराम पूरिया ये मातृ मातृ कुंडिया, ये मातृ मातृ कुंडिया, जाति जाति अंतर परिणाम में बदल रहे, काय काय शुद्धि ले पर काया में बचल रहे, जगेषणा वित्तेषणा वित्रषणा को योगी के से चल रहे, अचल गुफा में समाधि ले योग में ये चल रहे, शांत स्थिर बैठे हैं ध्यान में कि पर्वत हिल रहे कि पहाड़ चल रहे, वो टूटा आसमां का मन धार बन जा गिरा, धार धरा में समा गई फिर बूटी जग में आ गई, राग कल कल का सुना फिर से मन को भा गई, वृत्ति मन को ले उड़ी अलोक लोक से जुड़ी, अनोखे लोक से मिली फिर धरा पे आ गिरी, फिर धरा पे आ गिरी, गिरी गिरी कौन सा है दृष्टि भ्रम से फिर गिरी, गिरी गिरी कौन सा है दृष्टि भ्रम से गिर गिरी, गिरनार गिरे घूमते दत्तात्रेय ढूंढते, योगी तुम कहाँ गिरे, गिरे तो न मरे और न गिरे तो मरे, अनाम नाम ले रहे बाजाप जप रहे, अनंत नाद सुन रहे संचार सारे सुन रहे, धार मन की धारणा आहार कब का बिकवा दिया, और रच रही है योग धरा सहस्त्रों समाधिया, बुद्ध तुम भी भूले थे यशोधरा पर क्या योग भूल पाए थे तुम जरा, जन्म मृत्यु जरा यशोधरा छोड़ तुम चल पड़े अमर धरा, गिरी गिरी कंदरा गिरी गिरी कंदरा गिरी गिरी कंदरा, तो योग मार्ग गुप्त है जग के लिए सुप्त है, तो सुप्त है कुंडलिनी सुषुम्ना संचार है, योगी योग धार है, दहकते अंगारे हैं पर राख तन पर धार है, यम नियम को पहनते भुजंग वित्तियों भुजंग बन के सोहते, आकाश मार्ग चारी है योग उपाधि धारी है, योगी गुहा योगी शिला योग झरना जल रहा, योग के प्रयोग को मन में मसा लिया, योग के प्रयाग को तन में समा लिया, रच रही है योग धरा सहस्त्रों समाधियां, रच रही है योग धरा सहस्त्रों समाधियां, प्रणाम।
योग का इतना सुंदर वर्णन और उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मदन जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। और दोस्तों, अगली कड़ी के रूप में मैं बुलाने जा रहा हूँ शब्दों के धुरंधर हमारे वरिष्ठतम कवि राजेंद्र जी भोपतानी को। 15 अगस्त के पावन पर्व पर आज होने वाली काव्य गोष्ठी में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अब मैं आपके सामने पहले 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। जो मिटाते हैं हस्ती वतन के लिए, जो लगाते हैं शक्ति पतितों के लिए, जो जिए सदा ही असूलों के लिए, संसार चुकता सदा उन्हीं के लिए। देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन। अब मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत माता बलि मांगती। भारत माता बलि मांगती, रक्त से तिलक लगाने को, हिमगिरी पर शत्रु चढ़ आया, शीस उसी का ला कर दो। भारत माता बलि मांगती, रक्त से तिलक लगाने को, हिमगिरी पर शत्रु चढ़ आया, शीस उसी का ला कर दो। कसम कारगिल के वीरों की, केसरिया बाना पहनो, हर 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 महादेव का तांडव नृत्य वहां कर दो। हर 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 महादेव का तांडव नृत्य वहां कर दो। शत्रु ने हमको ललकारा, चीर कलेजा ला कर दो। नरमुंडों की माला पहनो, नदियों को रक्तिम कर दो। नरमुंडों की माला पहनो, नदियों को रक्तिम कर दो। जागो रे रणवीरों जागो, जागो रे रणवीरों जागो, शत्रु का तर्पण कर दो। नाग पकड़ने में आ जाए, जिंदा दफन वहां कर दो। नाग पकड़ने में आ जावे, जिंदा दफन वहां कर दो। कश्मीर शीश है भारत माँ का, इस पर प्राण निछावर हो, होगी रक्षा कण कण की, शंख नाद इसका कर दो। होगी रक्षा कण कण की, शंख नाद इसका कर दो। तो आज विजय की शुभ वेला है, आज विजय की शुभ वेला है, वीरों आज प्रयाण करो। भारत माँ की रक्षा के हित चाहे जो कुर्बानी हो, भारत माँ की रक्षा के हित चाहे जो कुर्बानी हो। भारत माता बलि मांगती, रक्त से तिलक लगाने को, हिमगिरी पर शत्रु चढ़ आया, शीश कलेजा चीर कलेजा ला कर दो। जय हिंद। जी हाँ, महाभारती बलिदान मांगती है और लाखों वीरों के बलिदान के बाद ही आज हम इस जश्न को मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राजेंद्र जी आपका। और अगली कड़ी के रूप में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे अपने वरिष्ठतम कवि श्रेणीदान जी को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सभी निवासीगण, मेरे सारे ही साहित्यकार बंधु, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, बढ़िया कार्यक्रम के लिए मैं मेरे सभी साहित्यकार मित्रों को बधाई देता हूं। और विशेष रूप से मुकेश का परिश्रम रंग लाता है। इस अवसर पर आपने कवि गोष्ठी रखी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस कवि गोष्ठी में मैं भी शामिल हो रहा हूं, कुछ पंक्तियां मेरी निवेदन कर रहा हूं। कि हमें आजादी जो दिला गए,
उनके प्रति हमको नमन करना चाहिए। कहे ऋणी आपका मन से पूरा वतन, है ऋणी आपका मन से पूरा वतन, कर रहा श्रद्धा से आज तुमको नमन, कर रहा श्रद्धा से आज तुमको नमन। आजादी हित मिटे मिट अमर हो गए, आजादी हित मिटे मिट अमर हो गए, सौंप कर तुम गए लहलहाता चमन, सौंप कर तुम गए लहलहाता चमन। और कुछ पंक्तियां राजस्थानी में, कि बरखा बहार खुशियां अपार, मन बेसुमार हर्षायो है, बरखा बहार खुशियां अपार, मन बेसुमार हर्षायो है, आजाद देश रेवे हमेशयो, अगस्त पंद्रह आयो है, आजाद देश रेवे हमेश लेकर संदेश ओ, अगस्त पंद्रह आयो है। कि कई धीर वीर कटिया शरीर हो, कई धीर वीर कटिया शरीर, इन आजादी ने पावन ने, गांधी रे सात सत्कर्म, गांधी रे लार सत्कर्म सार, सब सुख विसार कई जालिया जेल जावन ने, आजाद सात अस्तर ले हाथ, मृत्यु ले मात कई चालिया गोलियां खावण ने, कई चालिया गोलियां खावण ने, उठियो जवार बही रक्त धार, आजादी कारियो जबर जुद्ध मचायो है, जिबर का बहार खुशियां अपार, मन बेसुमार हर्षायो है, आजाद देश रेवे हमेश लेकर संदेश ओ, अगस्त पंद्रह आयो है जियो, अगस्त पंद्रह आयो है। और एक गीत जय जवान जय किसान, एक सीमा पे गयो और दूजो नी पूजान धान, एक सीमा पे गयो और दूजो नी पूजान धान, देश रो जवान मारे देश रो किसान, देश रो किसान मारे देश रो जवान, के छोड़ दी न माए बाप छोड़ दी न घर बार, अरे छोड़ दी न माए बाप छोड़ दी न घर बार, संगरा साथीड़ा छोड़िया छोड़ दो भाया रो प्यार, टाबरा रो नेह छोड़ियो बिल खंती छोड़ी नार, सब सुख छोड़ छाड़ सीमा पे लगायो ध्यान, देश रो जवान, देश रो जवान मारे देश रो किसान, देश रो किसान मारे देश रो जवान, देश रो जवान मारे देश रो किसान, आखो दिन हल भावे बैठे नहीं एक बार, के आखो दिन हल भावे बैठे नहीं एक बार, मोठ बाजर और मक्की बीज तो जावे जवार, तप तत्तावाड़िया में उभराणो करे काम, देशरो किसान, देशरो किसान मारे देशरो जमान, के अरियारे दल माही जब्बर जुजे जुजार, अरियारे दल माही जब्बर जुजे जुजार, बीस बीस शीश बड़ एक एक मोटियार, सिंह जू दहाड़ उठे सुन ताही ललकार, पाछो पग देवे नहीं दे ये दो भले ही जान, देश रो जवान, देश रो जवान मारे देश रो किसान, के पत्थरा ने फोड़ फोड़ पानी बनाए दे, केर ने जड़ा सुकाड कमल खिलाए दे, तो रगत पसीनो सींच फसल पकाए दे, नीर बांध चूर करे इंद्र रो अभिमान, देश रो किसान, देश रो किसान मारे देश रो जवान, के देश आखेरी रुखाली कर रहियो दिन रात, देश आखेरी रुखाली कर रहियो दिन रात, लोभ नहीं क्षोभ नहीं लालच कपट घात, तो टेम आया तिरंगेरी शीश दे राखे बात, एड़ा वीर धीर पे है देश आखे ने गुमान, देश रो जवान, देश रो जवान मारे देश रो किसान,
के देश रो भरण पेट दौड़ रहियो दिन रात, देश रो भरण पेट दौड़ रहियो दिन रात, खुद राटा बरिया तो भूखा ही बीता दे रात, कितरा यो दुख सेवे केवारी है नहीं आवात, धरती रो घासियो न ओढ़ सोवे आसमान, देश रो किसान मारे देश रो जवान, देश रो जवान मारे देश रो किसान। धन्यवाद। हमारे इस कवि सम्मेलन को उसके शिखर तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत तालियों के साथ धन्यवाद करना चाहता हूं श्रेणीधान जी आपका। और अब मैं बुलाना चाहता हूं उस शिक्षाविद, उस प्रभावशाली व्यक्तित्व को जिसके हम सब कायल हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बालकृष्ण जी जगाणी जी का। जी हां दोस्तों, जोरदार तालियों के स्वागत करते हैं आज के इस काव्यमाला के अध्यक्ष बालकृष्ण जी जगाणी का। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कविता सुनिए। 15 अगस्त सन 1947, गुलामी का तंत्र टूटा, अत्याचार से पिंड छूटा, सभ्यता के नकाबों में असभ्यों का नश छूटा, हम मुक्त हुए परतंत्रता से, हमने सांस ली स्वतंत्रता से, खुश थे हम, अब राज हमारा होगा, हर काज हमारा होगा, अब न कोई डराएगा न कोई भगाएगा, अब हर सपना पूरा होगा, कमाया धन अपना होगा, पर समय बदला, दल बने बदले, सरकारें बनी बदली, गांव बदले नगर बदले, लोगों का मिजाज बदला, पर जो न बदला वह था हमारा भाग्य। हम आज भी सरकार से दूर हैं, हम आज भी सत्ता से दूर हैं, आज भी सरकार हमारी सुनती नहीं, कहने को तो हम सरकार चुनते हैं, पर सत्य है कि हम मात्र वोट देते हैं, चुनते तो कोई और ही है। गांव में जमींदार थे आज भी हैं, बस नाम बदले हैं, चेहरा बदला है, तो सच में जो न बदला है वो हमारा भाग्य है। धन्यवाद। और शानदार रचना के लिए जगाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी कवि कवयित्रियों का जिनकी वजह से ये काव्य गोष्ठी सफल हो पाई, और उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद हमारे श्रोतागणों का जो हमें हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और हमारे को एक मोटिवेशन देते हैं कि हम इस तरह के काव्य पाठ, इस तरह के कवि सम्मेलन, इस तरह की काव्य गोष्ठियाँ करते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी का आज मैं ऐलान करने जा रहा हूँ कि हम अब से हर महीने एक कवि, एक कविता, एक विषय नामक श्रृंखला भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक विषय पर एक कवि द्वारा केवल एक कविता का वाचन किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें सहयोग देते रहेंगे और हम इसी तरह से अनुभव और नवीन पीढ़ी का मिलन कराते रहेंगे। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। मैं मुकेश हर्ष जाने से पहले दो पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं, तजते हैं वो प्राण अपने, तजते हैं वो प्राण अपने, शीश कभी
झुकते नहीं। मरते हैं इंसान मगर वीर कभी मरते नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।